दोस्तों, दिल्ली में मेट्रो सबसे पहले दिसंबर 2002 में चलाई गई थी। ये शाहदरा से रिठाला तक चलाई गई थी। उसके बाद 2011 तक इसमें भीड़ नहीं हुआ करती थी। 2011 के बाद ऐसी भीड़ बढ़ी कि अब इस पे पैर रखना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। आज संडे तो आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी और वीडियोज़ में मैं दिखाऊँगा कि रोज़ कितनी भीड़ रहती है। तो यहाँ पर दो तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। या तो लाइन लगा कर आप टोकन लीजिए, एक टोकन का जरिया है, या तो दूसरा जो मैं कार्ड दिखा रहा था ये 150 रुपये में बन जाता है, जिसमें 100 रुपये मिलते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये कार्ड वाला तरीका ज़्यादा सही रहेगा, इसमें आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, ऑनलाइन रिचार्ज भी हो जाता है। तो दोस्तों, यही मेट्रो कार्ड है जिसको लगाकर एंट्री गेट पास आप कर सकते हैं। ये देखिए, या तो पर्ची से होता है या मैं लगाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस कार्ड को दिखाते ही गेट खुल जाता है मेट्रो में। मुंबई की लोकल की तरह यह नहीं है कि बगैर टिकट आप चल सकते हैं। तो वैसे तो मेट्रो स्टेशन काफ़ी VIP, काफ़ी अच्छा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मेट्रो स्टेशन या दिल्ली का है या बेंगलोर का है। उसके अलावा ये देखिए, मेट्रो का जाल कितना तगड़ा फैला है, उसका मैप पर भी देख सकते हैं, उसके अलावा मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। और ये फुटप्रिंट बना हुआ है, यहाँ पर कई लाइनें हैं, मजेंटा लाइन है, येलो लाइन है, कई सारी लाइनें हैं। उसके अलावा जब आप मेट्रो में एंटर करेंगे तो ये देखिए, पूरा स्टेशन ऊपर डिस्प्ले होता है कहाँ से कहाँ तक जाती है। जिस पे ग्रीन सिग्नल होता है वहीं स्टेशन पर ट्रेन पहुंची होती है, और जो रेड कलर का है यहाँ पर यानी पार कर चुकी है। हाँ, तो साथियों, यहाँ पर दो तरीके की आपको सीढ़ियाँ मिल जाएगी। एक देखिए एलिवेटर मिल जाएगा जो कि ऑटोमेटिक होता है, उसके अलावा दूसरे तरफ स्टेप से चढ़ने वालों के लिए भी मिल जाएगा, लिफ्ट भी मिल जाएगी, हर तरीके की सुविधा है यहाँ पर। दिल्ली मेट्रो इतनी फास्ट है। मैं ये कार्ड लगाकर सबसे, जो मैं कार्ड के बारे में बता रहा था, जो 100 रुपये में बन जाता है, तो सबसे अच्छा कार्ड वाला सिस्टम है। तो अभी हम जामा मस्जिद स्टेशन पर आ चुके हैं। जामा मस्जिद काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मेट्रो का जो ट्रेवल है पूरे दिल्ली को उसने समेट दिया, इतनी फास्ट लाइफ कर दी है कि पूछिए मत। कम से कम दूरी में एक तरह से लोगों की लाइफ, पूरी लाइफ लाइन है। जो सुबह जॉब करने वाले हैं उन लोगों के लिए तो एक जन्नत है, एक तरह का जॉब करने वालों के लिए एक वरदान है कि पूरी दिल्ली को बहुत कम समय में कनेक्ट करती है। उसके अलावा जो लोग नए आते हैं उनको थोड़ी खासी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो लोग अनपढ़ तबका है वो मेट्रो से क्या स्टेशन की लाइनें नहीं पता कर पाता, तो एक तरह का बैकड्रॉप भी हो सकता है और काफ़ी अलग तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें देखने लगे चल रहे। हमारे पीछे मेट्रो आ चुकी है, तो मेट्रो आते ही यहाँ पर दरवाज़ा खुलता है। संडे तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे पीछे मेट्रो आ चुकी है। हम लोग जामा मस्जिद स्टेशन पर हैं, तो बस दरवाज़ा खुलने ही वाला है। और ये देखिए, दरवाज़ा हमारे पीछे खुलने वाला है, बस एक दो सेकंड का और दौर और दरवाज़ा खुल गया। फाइनली दरवाज़ा खुल गया, हम लोग अंदर इंटर कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है आज ट्रेन देखिए काफ़ी खाली मिल रही है। तो मेट्रो ट्रेन में आते ही यहाँ पर मुंबई की लोकल की ट्रेन की तरह नहीं, एकदम गर्मी लगने लगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। अच्छा साफ़ सफाई का आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ साफ़ सफाई है, काफ़ी अच्छा है। हाइजीन का काफ़ी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट है, सरकारी होती तो इसका भी सिस्टम रद्द हो चुका होगा। हिंदुस्तान में सरकारी चीज़ों के में करप्शन और सिस्टम आप जानते हैं कैसा है। तो साथियों, यहाँ वाली मेट्रो काफ़ी अलग है, काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा ये जो ऑरेंज लाइन वाली मेट्रो है ये काफ़ी VIP है, इसका चार्जेस भी महंगा है। बैठने की सीटिंग व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, उसके अलावा सामान रखने के लिए रैक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये ऑरेंज लाइन वाली मेट्रो है जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है। पूरे दिल्ली में सिर्फ यही मेट्रो है जिसमें सीटिंग व्यवस्था है, लेकिन इसका टिकट थोड़ा महंगा है। लेकिन यहाँ आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी, बिल्कुल फॉरेन वाली फीलिंग आएगी जो मूवी में दिखाते हैं। बाकी मेट्रो में तो इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। यहाँ सीटिंग जो सीटें हैं काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी अच्छी हैं। उसके अलावा इसका किराया ऑरेंज लाइन का थोड़ी महंगा है। ये मेट्रो बहुत कम ही चलती है, एयरपोर्ट वाली लाइन पर बस चलती है। और मेट्रो के मुकाबले मेट्रो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उसके अलावा यहाँ भीड़ भी नहीं है, सामान रखने के लिए अलग से रैक भी बनाया गया है, तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर। यहाँ पर सामान रखने के लिए ऐसे रैक बनाया गया है यहाँ पर, तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ की बढ़िया है इस मेट्रो की, ऑरेंज लाइन की। तो दोस्तों, यही जो मैं बता रहा था ये निशान दिया हुआ है, यही देखकर आप वायलेट लाइन, येलो लाइन की तरफ जहाँ जहाँ फुटप्रिंट जा रहा है उसी लाइन पर आप जा सकते हैं। तो इसको फॉलो करते हुए आप स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। ये सब आरामदायक चीज़ें हैं दिल्ली मेट्रो। अगर मेट्रो में सीट मिल जाए तो समझ लीजिए काफ़ी आप लकी हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो सुबह के शाम होता है या समय शाम का समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा रश वाला होता है, उसमें सीट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सीट मिलना भी काफ़ी कमाल की बात है। आज संडे है तो आज मुझे सीट मिल गई है, तो ये भी अलग बात है। उसके अलावा ये दिव्यांग जनों के लिए, ऊपर मैंने जो बताया था दिव्यांग लोगों के लिए, अगर वो आते हैं तो आप लोग खुद ही छोड़ दीजिए, इंसानियत है, नागरिकता है।
साथियों, आज संडे है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शांति है मेट्रो में, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए वीडियो बन रहा है। उसके अलावा मेरे आसपास आप देख सकते हैं, तो मेट्रो का सफ़र दिल्ली का काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी बेहतरीन रहता है। तो यहाँ पर ट्रेन से उतरते ही यहाँ से एक लाइन से दूसरी लाइन चेंज करने के लिए भी जाना पड़ता है। यहाँ पर 10 तरीके की लाइनें हैं। जो पहली मेट्रो यात्रा है मेरी, काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा आप कन्फ्यूज भी हो जाएंगे, कभी येलो लाइन से ब्लू लाइन की तरफ जाना पड़ता है, तो जो नीचे स्टेप बनाए गए होते हैं उन्हें देखकर चलना होता है। क्यों, मैं मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पर उतर गया हूँ, रात के 10:30 बज रहे हैं। देखिए मेट्रो हमारे पीछे चल रही है। अब ऊपर की तरफ मैं चलता हूँ, यहाँ बाहर निकलता हूँ। तो ये हम लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल आए हैं कार्ड लगा के। कार्ड सबसे बेहतरीन यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर रेगुलर रह रहे हैं तो कार्ड ज़रूर बनवा लें, या 10-15 दिन के लिए आते हैं तब भी कार्ड बनवा लें। कार्ड काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ये आपको टाइम बचाती है, बाकी टोकन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो दिल्ली मेट्रो कुल मिलाकर काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी है। अलावा यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपको भूख लगी हो स्टेशन की, या देखिए छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ पर, स्टोर भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आप कुछ भी खा सकते हैं। मोमोज़ काफ़ी ज़्यादा मिलता है, कोल्ड ड्रिंक हो गई, मोमोज़, पेटीज़, तो अंदर की तरफ ये चीज़ काफ़ी यहाँ पर अच्छा है। और दिल्ली की मेट्रो एक नंबर बेस्ट, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई यहाँ की मेट्रो। तो इनमें दिल्ली की मेट्रो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतरीन है। उसके अलावा आप लोगों में किसने दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया है, अगर किया है तो कमेंट करके उसका अनुभव ज़रूर बताइए। जिसने नहीं किया है तो दिल्ली एक बार ज़रूर जाइए और वहाँ का सफ़र करिए। मेट्रो का सफ़र काफ़ी अच्छा लगेगा। शुरू में आपको थोड़ा समझना होगा कैसे क्या कहाँ कौन सी लाइन जाती है। उसके लिए आप मेट्रो वाला ऐप आता है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ चार्ट्स भी बने होते हैं, लेकिन ऐप ज़्यादा मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आपको वो बता देता है। तो दिल्ली राजधानी में साथ साथ एक नंबर है मेट्रो स्टेशन दिल्ली का। तो अगर दिल्ली आते हैं, दिल्ली दिल वालों की है और घूमने के काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, तो आप लोग मेट्रो स्टेशन एक बार ज़रूर आकर मेट्रो का टूर करिए। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।